स्कॉटलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में आया ट्रेविस हेड का बहुत ही बड़ा तूफान। उन्होंने सिर्फ 25 बॉल में 80 रन बनाकर करके अपनी टीम को बहुत ही आसानी से मैच जिता दिया। तो इस मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने भी हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे भी हैं, तो ये सारी जानकारी दूंगा मैं अपनी इस वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहें, और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं हमें और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। तो चलिए मैं बताता हूं पहले मैच के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। वहीं पर स्कॉटलैंड की टीम 20 ओवर में 154 रन बनाई 9 विकेट के नुकसान पर। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 154 रन के लक्ष्य को बहुत ही आसान बना दिया और सिर्फ 9.4 ओवर में 156 रन बनाकर करके 7 विकेटों से इस मैच को जीत लिया। तो इस मैच में ट्रेविस हेड ने सिर्फ 25 बॉल में 80 रन बनाकर करके अपनी टीम को बहुत ही तूफानी शुरुआत दी, और जहां पर उन्होंने 12 चौका और 5 छक्का लगाया 320 के स्ट्राइक रेट से वो खेले। उनका साथ दिया मिचेल मार्श जो कैप्टन है, उन्होंने भी 12 बॉल में 39 रन बनाए जहां पर उन्होंने 5 चौका और 3 छक्का लगाया। वहीं जॉस इंग्लिश वो 13 बॉल में 27 रन बनाकर करके नॉट आउट रहे। मार्क स्टोनिस भी 5 बॉल में 8 रन बनाकर करके नॉट आउट रहे और अपनी टीम को जिताया। तो दोस्तों रिकॉर्ड टूटा है वो पावर प्ले का रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि 6 ओवर में अब तक जो था वो साउथ अफ्रीका के नाम था रिकॉर्ड पावर प्ले में हाईएस्ट स्कोर का, लेकिन उसको ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तोड़ दिया और 6 ओवर में 113 रन बना दिया, जो टी20 इंटरनेशनल का अब तक का सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर है पावर प्ले का। तो ट्रेविस हेड जिस तरीके से खेलते हैं, अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बैटिंग करती तो हो सकता है कि इस मैच में 300 प्लस का भी हमें स्कोर देखने को मिलता, क्योंकि जिस तरीके से इनके पास एक से एक बड़े बड़े हीटर और ट्रेविस हेड जिनका आपने देखा होगा कारनामा आईपीएल में अभिषेक शर्मा के साथ बहुत ही तूफानी पारी खेल रहे थे और बड़ा सा बड़ा स्कोर बना है। वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जो है वो बहुत बड़े स्कोर को बनाई और डिफेंड भी किया और बना कर करके जीती भी है बाद में खेलते हुए भी। तो जिस तरीके से इनकी अभी ओपनिंग है तो कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद भी काफ़ी खुश होगी कि ट्रेविस अच्छे फॉर्म में भी हैं। तो ये जरूर जो प्लेयर को रिटेन करने का जो ऑप्शन आएगा जब टाइम आएगा, तो वहां पर ये दो खिलाड़ी तो जरूर अपनी टीम से बाहर नहीं करना चाहेंगे। वो एक होंगे ट्रेविस हेड और दूसरे जो इंडियन स्टार प्लेयर है अभिषेक शर्मा, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही लास्ट सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और ट्रेविस हेड उनका कहना ही क्या, वो तो लाजवाब फॉर्म में है। जब वो बैटिंग करने आते हैं तो चाहे कितना बड़ा से बड़ा बॉलर क्यों ना, वो सबकी धज्जियां उड़ा देते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम को बहुत ही आसानी से जीत दिलाने में ट्रेविस हेड का बहुत बड़ा योगदान भी रहा। तो इस मैच में उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। तो अभी दो मैच और बचा हुआ है, तो देखते हैं वहां पर और क्या बड़ा बड़ा कारनामा करते हैं। और अगर शायद ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो ऐसा भी हो सकता है कि हम ये दो जो टी20 मैच बचा हुआ है वहां पर शायद 300 प्लस का भी स्कोर कोई देखने को मिल जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता। तो आप लोगों को कैसा लगा ट्रेविस हेड का बैटिंग, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें।